हेलो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि 24 वोल्ट वाले सिस्टम का सोलर पैनल कैसा होता है सोलर पैनल का वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है एंड सोलर पैनल का करंट कैसे चेक किया जाता है तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ईस्टमैन कंपनी का सोलर पैनल है ये दोस्तों 335 सौ पैंतीस का सोलर पैनल है 24 वोल्ट वाला मतलब ये 24 वोल्ट वाले सिस्टम पर चलेगा दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है ईस्टमैन कंपनी के सारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया ही होते हैं सारे प्रोडक्ट जैसे कि इन्वर्टर सोलर पैनल बैटरी चार्जर बैटरी सब कुछ इंडिया में ही बनता है सोलर पैनल की वारंटी 25 साल की है मैं आप लोगों को सोलर पैनल को बॉक्स से निकाल करके दिखा देता हूं दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सोलर पैनल का कलर ब्लू है तो ब्लू कलर वाले सोलर पैनल कौन से होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन आप लोगों को को मैं सोलर पैनल नजदीक से दिखा देता हूं दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईस्टमैन कंपनी का ब्रांडिंग किया हुआ है यहाँ पर मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है दोस्तों ये एक सेल है ऐसे टोटल सेवेंटी सेल्स है जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह टोटल बारह सेल हैं और इस साइड में छह सेल हैं तो बारह गुणे टोटल बहत्तर सेल्स हैं ये सेवेंटी टू सेल मिलकर के तीन सौ पैंतीस वॉट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं दोस्तों सोलर पैनल के ऊपर टेम्पर ग्लास की लेयर लगी हुई है जो कि सोलर पैनल के कांच को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सोलर पैनल के बैक साइड क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं बैक साइड में भी ईस्टमैन कंपनी का ब्रांडिंग की हुई है अ ग्रीन इनोवेशन फ्रॉम ईस्टमैन ग्रुप एक छोटा सा कोट लिखा हुआ है दोस्तों ये वारंटी कार्ड है इसको हम निकाल के संभाल के रख देंगे सोलार पैनल की 25 साल की वारंटी है और दोस्तों इसके अंदर यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है ये सोलार पैनल का टर्मिनल बॉक्स है इसको जंक्शन बॉक्स भी बोला जाता है ये जंक्शन बॉक्स आई पी सिक्सटी एट रेटिंग वाले हैं आई पी सिक्सटी एट रेटिंग का मतलब इस बॉक्स में पानी धूल मिट्टी कुछ भी अंदर नहीं जाएगा इस आई पी सिक्सटी एट रेटिंग की वजह से हमारा टर्मिनल कभी खराब नहीं होगा दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर प्लस का सिंबल देख सकते हैं इसका मतलब ये पॉजिटिव वायर है और यहाँ पे माइनस का सिम्बॉल दिया हुआ है इसका मतलब ये नेगेटिव वायर है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सोलर पैनल का वायर भी अच्छा खासा लंबा दिया हुआ है दोस्तों इसे एमसी फोर कनेक्टर बोला जाता है जब हमें सोलर पैनल को इन्वर्टर में कनेक्ट करना होता है तो हमें इस वायर को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ती है मतलब इसके अंदर एक दूसरा एमसी फोर कनेक्टर लगाना पड़ता है वायर को एक्सटेंड करने के लिए मैं आप लोगों को वो भी करके दिखाऊंगा दोस्तों जैसा कि ये पॉजिटिव वायर है एंड ये नेगेटिव वायर है ये सोलर पैनल का आउटपुट ग्राफ है जो कि शो करता है कि सोलर पैनल कैसा आउटपुट दे रहा है ईस्टमैन कंपनी सोलर पैनल को कंपनी से बाहर निकालने से पहले टेस्टिंग करती है टेस्टिंग में पास होने के बाद ही प्रोडक्ट को कंपनी से बाहर निकाला जाता है दोस्तों ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये सोलार पैनल 335 वॉट का है वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर जिसको क्लोज सर्किट वोल्टेज भी बोला जाता है करंट एट मैक्सिमम पावर जिसको क्लोज सर्किट करंट बोला जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट करंट तो ये सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी हुई है दोस्तों मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सोलर पैनल का वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है और करंट कैसे चेक किया जाता है वो दिखा देता हूँ ये एमसी फोर कनेक्टर है इसके थ्रू हम लोग वोल्टेज एंड करंट चेक करेंगे दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव का सिंबल बना हुआ है ये हमारा पॉजिटिव वायर है और यहाँ पर नेगेटिव का सिंबल बना हुआ है ये हमारा नेगेटिव वायर है वोल्टेज एंड करंट चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर का यूज करेंगे दोस्तों सोलार पैनल डीसी वोल्टेज का आउटपुट देता है तो मीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट करेंगे मल्टीमीटर के नॉब को 200 वोल्ट पर रखेंगे पॉजिटिव प्रोप को पॉजिटिव में डाल देंगे एंड नेगेटिव प्रोप को नेगेटिव में जैसा कि आप लोग मीटर में देख सकते हैं वोल्टेज शो कर रहा है 41.1 वोल्ट। दोस्तों वोल्टेज कम ज्यादा होते रहता है जैसा कि अभी 40.7 वोल्ट आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि आसमान में बादल है बारिश जैसा मौसम बना हुआ है आसमान में बादल होने के बावजूद भी सोलर पैनल बहुत ही अच्छा आउटपुट दे रहा है अभी हम लोग करंट भी निकाल लेते हैं तो शॉर्ट सर्किट करंट के लिए दोस्तों मल्टीमीटर को ऑफ करेंगे और उसके वायर को निकाल देंगे ये जो पॉजिटिव वाला वायर है इसको निकाल करके 10 एम्पियर वाले में डाल देंगे 10 एम्पियर में प्रोब को डाल देने के बाद नॉब को 10 एम्पियर पर सेट करना पड़ेगा उस पर सेट करने के बाद सेम चीज पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले वायर में डालेंगे एंड नेगेटिव प्रोप को नेगेटिव वाले वायर में डालेंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सोलर पैनल का शॉर्ट सर्किट होगी तो दोस्तों इस तरीके से सोलर पैनल का वोल्टेज एंड करंट निकाला जाता है सोलर पैनल का वायर कैसे एक्सटेंड करेंगे ये सोलर पैनल का एम कनेक्टर है ये नेगेटिव वायर है एंड ये पॉजिटिव वायर है तो नेगेटिव वायर को नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट करेंगे एंड पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे जस्ट क्लिप को दबाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाता है बहुत ही सिंपल है दोस्तों ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है कि वायर के साथ MC4 कनेक्टर को कैसे कनेक्ट किया जाता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ईस्टमैन कंपनी का 335 वॉट का सोलर पैनल कैसा है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है एंड आउटपुट भी काफी अच्छा है आप लोगों को अगर सोलर पैनल बाय करना होगा तो स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं सोलर पैनल ही नहीं इन्वर्टर बैटरी सोलर पैनल चार्जर सोलर से रिलेटेड ईस्टमैन कंपनी लगभग सारी चीजें बनाती है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में